व्यू बहुत पॉजिटिव है बाज़ार को लेकर और देखिए एक चीज़ है आशीष बहुत लोग कहेंगे कि मैं मंडे को प्रॉफिट बुक कराया बिल्कुल कराया था और उसके बाद मार्केट ने आपको फ्रेश एंट्री भी दी ठीक है प्रॉफिट को बीच बीच में प्रिजर्व करना जरूर जब हर कोई बुलिश हो जाए और एकदम बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि मार्केट में कोई दिक्कत ही नहीं है तो कभी कभी एक स्टेप बैक लेने में कोई दिक्कत नहीं है और कल मार्केट ने बहुत शानदार एंट्री दे दी आपको बुल मार्केट की एक सबसे बड़ी खासियत पता क्या है ये आपको बेल आउट करता है आप गलती भी कर देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कल सुबह आपको अगर लग रहा हो कि काश मैंने परसों बुक कर लिया होता या परसों मैंने क्यों ले लिया हाइएसट पॉइंट पर आज आप अच्छा फील कर रहे होंगे क्योंकि आज आप फिर एक अप आप आपको दिखाई दे रहा है तो इसके लिए बुल मार्केट में एक जैसे मैं कहता हूँ ये आपको बेल आउट करता है ये सबसे बड़ी बुल मार्केट की खासियत है आप किसी भी प्राइस पर लेंगे पैसा आपका बनेगा इवेंचुअली अगर आप बड़े ट्रेंड के साथ हैं तो पैसा बनेगा जिसने जिस लेवल पे लिया आप सपोज़ करिए ऑल टाइम हाई पे ले लिया आपने पच्चीस तीन सौ तैंतीस पॉइंट सात पे लिया वो आपका मैं मानता हूँ चलिए तब भी आपका पैसा बनेगा उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा ऑब्वियसली लेकिन फिर भी पैसा बनेगा और वो जो टू सेवन टू सेवन टू का पोजिशनल टारगेट है वो मेरा अभी भी इंटैक्ट है टेन और ट्वेंटी डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जितना पास आपको मिले मार्केट वहाँ पर लेने की कोशिश करें कल भी यही बात हुई थी हमारी और इस समय मार्केट में ना बहुत कैश है म्यूचुअल फंड दो लाख करोड़ के कैश पर बैठे हैं एफ ने पैसा डालना शुरू कर दिया रिटेल के पास भर के पैसा है ये मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा जहाँ गिरेगा वहाँ बाइंग आ जाएगी और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं आपको दे रहा हूँ इस मार्केट ने आपको इस साल दो बार बता दिया कि ये मार्केट बड़े से बड़े शॉक एब्ज़ॉर्ब कर सकता है इलेक्शन वाले दिन एक आउटकम वाले दिन का और बजट वाले दिन का वो मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिए यह मार्केट में रिस्क एक ही है बस रेगुलेटरी और रेगुलेटरी रिस्क कहाँ से आएगा ये हमें नहीं पता चलेगा कभी भी और इसके लिए हमारा हथियार होगा स्टॉप लॉस का तो बहुत सिंपल चीज़ है इस मार्केट में हाँ किसी दिन कभी ऐसा हो जाए कि कोई ओवरनाइट नाइट रेगुलेटरी रिस्क निकल कर आया उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए तो देखिए वो तो फिर ऐसे तो आप कभी कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे वो तो रिस्क लाइफ में हमेशा रहेगा तो इसके लिए और ग्लोबल कारणों की वजह से अगर आप कभी भी गिरें वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्यों क्योंकि बहुत क्लियर है हमारी मार्केट इस समय बेस्ट आउटफॉर्म मार्केट अच्छा कल एक और बात हुई थी मेरी मैंने कल एक चीज़ कही थी आशीष कि जो यूएस मार्केट गिरी भी है ना वो थोड़ा सा यूएस के फेड के ऊपर प्रेशर डालने की बात हो रही है वहाँ से कि नहीं भाई साहब आपको रेट कट करना ही पड़ेगा वो जो आईएसएम का डेटा आया है उसने मोर और लेस कन्फर्म किया है कि रेट कट आए आना चाहिए तो कल का जरा डाओ और नैसडेक दिखा दीजिए कल अगर आप देखें कल जिस तरीके से हम जो प्राइस इन करके गए थे कि यू मार्केट में क्या होने वाला है उसके मुकाबले कल यू मार्केट का एक प्राइस एक्शन बहुत शानदार रहा है और डाओ जो तो ग्रीन में बंद हुआ है नैसडेक भी ठीक ठाक था ऐस एन ठीक ठाक था मेरा ये मानना है कि अब मार्केट में ये वो जो थ्योरी है इवन यूएस मार्केट बहुत जल्द आपको ऑल टाइम हाई दिखाएगा क्योंकि वहाँ भी बुल मार्केट चल रही है तो बिल्कुल तैयार रहे मार्केट में ऑल टाइम हाई के लिए